गेमिंग आर्मी, तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी गुड वेरी गुड। तो गाइस फिर से स्वागत है आज की एक न्यू वीडियो में। मैं सामने वाली बिल्डिंग में जा रहा हूं, ये एक कोलैब वीडियो काशी गेमिंग के साथ, तो वो भी मेरी तरह काफी अच्छे-अच्छे गेम प्लेस लाते रहते हैं, तो आप उनके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो और उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो फिलहाल हम आए थे यहाँ पे मिलिट्री बेस और यहाँ पर मिल गई मुझे एक स्कारल और एक DP28। यहाँ पे सामने एक बंदा अभी अभी उतरा था जिसे कि मैं इजीली नॉक कर देता हूँ और मेरा टीममेट इसे जाके फिनिश कर देता है। तो अब गाइस मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इस ट्री को डेकोरेट करने, बट तभी पीछे से आवाज़ आती है, तो पर मेरा टीममेट जो होता है वो उसे इजीली फिनिश कर देता है बाइजन से। तो गाइस ये डेकोरेशन में काफ़ी चीज़ें मिल जाती है और बहुत सारे केसेस में मुझे स्कूल पे ही फ्लेयर गन मिली है। तो गाइस आप स्कूल वाले ट्री को जाकर जरूर डेकोरेट करना और यहाँ पर मेरा एक बंदा फिनिश हो जाता है। तो फिर मैं अब यहाँ पे एक एम उठा लेता हूँ और DP28 टीममेट्स के लिए छोड़ देता हूँ। अभी रुक जा, अभी रुक जा, पहले आई सब कुछ कर दे रहे हैं इस बंदे को। तो अब गाइस यहाँ पे काशी गेमिंग पे फायर कर रहा होता है, बट मैं एंड टाइम पे फायर करके किल चुरा लेता हूँ और बहुत सही किल चुराया था ये। आप उसकी बातें सुनो क्या कह रहा है। आजा आजा रश कर दे रश। तो अब गए सामने थे एक स्क्वाड और काशी गेमिंग भी कहते हैं रश कर दे, तो मैं सोचा चलो यार रश कर देते, जब दो बंदे हैं तो इजिली फिनिश कर देंगे उनकी स्क्वाड को। तो अब गए अब देखो उनकी स्क्वाड को हमने कैसे फिनिश करा। अबे मैं भी पहुंच गया, नूबिले तेरे को भी तेज़ है, जा आई गॉट सप्लाइज, उठा ले मेरे लिए उठा ले। तो अब गाइस इसकी स्क्वाड पता नहीं कहाँ पर थी, बट ये अकेला था तो इसे मैं इजीली फिनिश कर देता हूँ। तो अब शायद से गाइस की जो स्क्वाड थी वो पीछे थी, नंबर 4 ने मार्क करा था, तो अब इसलिए अब वहाँ पर वो एक को नॉक कर देता है, तो हम भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। यार ये यार इस बंदे को बोल दे यार। तो अब गाइस जो उसका बंदा था यानी लास्ट बंदा, तो उसे तो इजीली फिनिश कर देते हैं हम लोग। और फिर उसके बाद हम जब मिलिट्री बेस के किंग, हमें यहाँ से निकलना था, तो अब फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं। चलो एक और 98 मिलती हुई देना। तो अब गाइस यहाँ पर दिखता है एक बॉर्डर, सब किल की भूख में सब जाने लगते हैं बॉट का किल कौन लेगा, और टैग में काशी गेमिंग उसका किल ले जाता है। तो अब गाइस जो हमारी वीडियो के हैं मेन गेस्ट काशी गेमिंग वो ये बैठे, तो गाइस मैं आपसे कहूँगा कि इनके चैनल को भी जाकर बिल्कुल और ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं। तो मैंने उनसे बात करी और उनके साथ एक कोलैब वीडियो बनाई, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर काशी गेमिंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ले भाई तेरा मूड भयंकर हो गया। तो अब गाइस यहां पर दिखते हैं मुझे बग्गी और मैं कहता हूं कि चलो पीछे चल रहे हैं। तो अब गाइस वो दोनों तो उतर जाते हैं, तो मैं अकेला ही वहां पर गाड़ी लेके पुश कर देता हूं। और गाइस मुझे लगता है कि वो एक ही बग्गी है, बट एक्चुअली में वहाँ पे दो बग्गी थी, वहाँ पे शायद से 4 बंदे थे। तो अब गाइस वो सीन देखो, आपको बड़ा मज़ा आएगा कि हमने इसे कैसे फिनिश करा। बहुत ही ज़्यादा घुमा रहे थे ये लोग हमें, तो हमने भी इन्हें घुमा दिया। ओ तेरे पास ही है ओए, मैं तो बिल्कुल जा अब गाइस मुझे पता ही नहीं चल रहा था वो लोग कहाँ पर है, बट एक को नॉक करा तो मैं इसे इजीली फिनिश कर देता हूँ। और इसका टीममेट पता नहीं कहाँ था, तो मैं कह रहा हूँ इन्होंने इन्होंने हमें बहुत घुमाया, बट फिर हम भी इन्हें घुमा घुमा के मारते हैं। तो वो सीन देखो गाइस, भाई मुझे भी लूट लेने दो यार। मैं DP यूज कर रहा हूँ, भाइयों
भाई अगर रेड डॉट मिले तो बताना। तो अब गाइस हम जाने लगते हैं, पर सामने से फायर होता है तो मैं यहीं पर ही एग्जिट हो जाता हूँ और बंदे को देखने लग जाता हूँ कि वो कहाँ पर है। जल्दी गेम खत्म करो ना। हेलो। तो अब गाइस हम छाट लेते हैं जगह, बट बंदा नहीं दिखता तो इसलिए अब फिर हम गाड़ी उठाकर जाने लगते हैं। तो इसमें फ्यूल नहीं होता, मैं देखते इसमें फ्यूल नहीं है, बट तभी फायर होता है तो फिर हम भी आ जाते हैं यहाँ पर। और ये बहुत ज़्यादा टैग दे देता है ये बंदा मुझे, और नंबर फोर भी लड़ रहा होता है इससे, बट इसका किल मैं चुरा लेता हूँ। काशी के पीछे बहुत कोशिश करता है बट मैं चुरा लेता हूँ। फिर हम अपने टीममेट को रिवाइव देकर यहाँ से जाने लगते हैं, बट इनका लास्ट टीममेट और पता नहीं कहाँ से निकल कर आता है। मैं कह रहा हूँ ये बहुत घुमा रहे थे, मतलब कैंप कर रहे थे बहुत तगड़ा। तो गाइस यहाँ पर था वो लास्ट बंदा जिसे काशी गेमिंग फिनिश कर देता है। तो अब फिर हम यहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि हमें और बंदे ढूंढने थे, हमें किल चाहिए थे। तो अब गाइस सामने था यहाँ पर ड्रॉप, और यहाँ पे गाइस काफी ज्यादा इंटेंस सिचुएशन हो जाती है। तो अभी नहीं होती, मतलब थोड़ी देर बाद होती है। तो गाइस अब वो सीट देखो, और पहले तो हमें लगता है कि ड्रॉप लूटेड नहीं है, बट वो लूट लिया जाता है और फिर यहाँ पे बहुत इंटेंस सिचुएशन हो जाती है। तो वो सीन गाइस अब देखो, कोई ना है, कोई ना है ड्रॉप पे, कोई ना है। लूट चुका ये ड्रॉप, लूट तो गाइस हमें तो पहले लगता है कि सामने वाले कंपाउंड में बंदा है, बट वहाँ पर कोई बंदा नहीं होता। एक बंदा पीछे से दासिया लेकर आता है तो उसे तो बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से फिनिश कर देता हूँ मैं। डीपी का भी टाइम सही है यार, मैं AWM में रेड डॉट लगा के चलाता हूँ, आता है बहुत ज्यादा मजा। तो अब गाइस आती है मुझे दासिया की आवाज, और दासिया वाले बंदे की मैं बात कर दूँ तो बहुत ही ज्यादा इजीली फिनिश कर देता हूँ। और इसकी आईडी देखो, आ रहा हूं लुटेरा, ओ भाटेरा नाम की आईडी है सब लुटेरा। तो अब गाइस यहां पड़ता है एक बग्गी वाला बंदा जो हमारा बहुत इम्तिहान लेता है, बट हम इस पे फायर भी करते हैं, बट गाइस हमने इसे एंड पे बहुत बुरी तरह मारा। तो गाइस अब वो सीन देखना, और एंड का सीन है वो, तो एंड का सीन तो बिल्कुल मिस मत करना। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं करी तो कर क्या रहे हो, जाकर वीडियो को लाइक करो, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, बाजू में बेल आइकन वाला बटन है तो उसे भी प्रेस कर देना ताकि आपको लेटेस्ट गेम प्ले और टेक्निकल चीज़ें मिलती रहे। तो फिलहाल पीछे से आए थे शॉट्स, तो अब मैं डासी उठाकर जाने लग जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि बैठो, अब हम उस बंदों पर पुश करेंगे और उनकी स्क्वाड को फिनिश करेंगे। बट गाइस यहाँ पर आती है सप्रेसर वाली M4 का फायर, और मेरे को टैग भी मिलता है तो मैं थोड़ा घुमाकर ले जाने की कोशिश करता हूँ। और वो सिचुएशन देखो गाइस, मेरा सामने ही है। तो अब गाइस हम यहाँ पे इसे तो फिनिश कर देते हैं, बट अभी गाइस एक टीम थी पहाड़ पर जो बहुत ज्यादा सही स्नाइपिंग कर रही थी, और एक बंदा यहाँ पड़ता तो ये भी गाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा लिट कर देता है, और यहाँ पे काशी गेमिंग भी नॉक हो जाता है। तो ये थोड़ी इंटेंस सिचुएशन थी क्योंकि पीछे से भी लगातार स्नाइपर्स के शॉट आ रहे थे। ओ भाई साहब घेर लिया बंदे ने, घेर लिया उस बंदे को, कार में छोड़ने दी। तो अब गाइस मैं यहाँ पे स्मोक करके काशी गेमिंग को बचा लेता हूँ और इन सारी सिचुएशन को हैंडल करता हूँ। जल्दी आजा, जल्दी आजा। तो आप देखो कि मैंने उस कारल वाले बंदे को कैसे फिनिश करा और कैसे सिचुएशन हैंडल करा। तू बस पीछे वाले बंदों को तो अब गाइस वो पहाड़ी पे थे बंदे, तो मैं उन्हें थोड़ा डराने के लिए स्प्रे देता हूँ और एक आधी बॉडी शॉट भी देता हूँ, तो वो लोग तो शांत हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो जोन में आकर एक कंपाउंड पकड़ लेते हैं।
तो गाइस ये थी सबसे बड़ी परेशानी, तो इसे तो मैंने इजीली फिनिश कर दिया। आयरन मैन नाम की आईडी है, तो फिर इसे फिनिश करने के बाद हम चले जाते हैं, क्योंकि लास्ट की सिर्फ चार बंदे बचे थे भाई। लूट नहीं रहा भाई, तो अब गाइस फिर से आता है वो बग्गी वाला बंदा परेशान करने, और इस बार मैं फिर उसे स्प्रे देने की कोशिश करता हूँ, बट वो इस बार फिर बच जाता है। मेरे को दिखी था कि नहीं बग्गी है का। गाइस वो फिर आता है बग्गी वाला, इस बार मैं एक दो बॉगी दे देता हूँ, बट अब फिर वो पहाड़ पे चले जाता है, और नूबिल्ला यानी काशी गेमिंग भी ट्राई करता है उसे मारने की, बट वही बताते हैं कि वो पहाड़ पर चला गया है। बोरा पहाड़ पे गया, पहाड़ पे गया। आला ला 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 ला। पहाड़ भी गया वो बंदा ड्रॉप लूटने के लिए। ओके ओके, तो अब गाइस वो सामने होता है पहाड़ पे, और तभी इस कंपाउंड से आता है कार 98 का एक शॉट। तो अब इन दोनों बंदों को तो गाइस मैंने बहुत ही ज्यादा यूनिक तरीके से फिनिश करा, तो अब वो सीन देखो, दोनों बंदों को एक ही मौली में फूंक दिया मैंने, तो अब देखो गाइस मैं कितनी सही मौली करता हूँ उन पर। दिख गया मुझे, तो यहाँ पे काफी गेमिंग हो जाता है, एक बार और नॉक तो मेरे को आगे रिवाइव दे सकता है। दोनों को तो मैं एक ही मौली दे दूँ, मुझे लगता है कि एक बच गया है, बट ऐसा नहीं होता, और फिर मैं कहता हूँ कि नंबर फोर जाकर रिवाइव कर दे, और वो उसे रिवाइव कर देता है काशी गेमिंग को। एनिमीज अहेड यार। तो गाइस ये था लास्ट बंदा, और ये वही है बग्गी वाला जो बार बार परेशान कर रहा था। तो काशी गेमिंग यहाँ पे मार्क कर देता है कि वो कहाँ पर है, बट अभी भी मुझे एक्चुअल लोकेशन पता नहीं होती, तो मैं ऐसे जंप करता हुआ जाता हूँ, और तभी वो फायर करता है, मतलब फायर नहीं, काशी गेमिंग बार बार नेड कर रहा होता है, और तभी वो मुझे लेटा हुआ दिख जाता है, और इसे मैं इजिली फिनिश कर देता हूँ। तो डेट ऑफ, तो गाइस यार आपको आज के वाली वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूले, और काशी गेमिंग को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।